अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम रीड करने जा रहे हैं क्लास सेवन के इस्लामियात की बुक को। चैप्टर नंबर टू मैंने ओपन कर लिया है, पैप एंड प्रेयर्स, ईमान और दुआ मांगना या फिर इबादत करना। पॉइंट वन है फेथ, बिलीव इन प्रॉफिट रिसालत, यकीन और ईमान रसूलों को। Why has Allah created us and sent us on this earth? Allah ताला ने हमें क्यों बनाया है और इस दुनिया इस ज़मीन पर क्यों भेजा है। What is the real purpose of our existence? हमारा इस दुनिया में असल में मकसद क्या है आने का। The answer is that we are here to worship Allah. जवाब ये है कि हम यहाँ पर अल्लाह ताला की बात करने आए हैं, to obey Him, उसके मानने आए हैं, to serve Him and to live usefully and peacefully amongst ourselves and His other creation. और अपनी ज़िंदगी किसी मकसद से गुजारने आए हैं, मतलब हमें यहाँ पर किसी मकसद से भेजा गया है, अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारने आए हैं और जो दूसरी क्रिएशन इस दुनिया में आई है उनको भी सुकून से ज़िंदगी गुजारने दें। वी मस्ट डू गुड इन दिस वर्ल्ड एंड फॉर दिस वी मस्ट लर्न टू बिहेव इन अ वे दैट विल गाइड अस टू अर्न अल्लाह प्लीज। हमें क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए इस दुनिया में। अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो हमें अच्छे से रहना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि किस तरह हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। दिस इन टर्न विल लीड अस टू द इटर्नल होम विच अल्लाह हैज़ प्रोमिस्ड अस। इससे क्या होगा, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोमिस किया है कि हमारी जो है इटर्नल होम, जो है इटर्नल होम मतलब कि जो असली घर है, द परमानेंट होम हेवन, या इटर्नल होम मतलब कि परमानेंट घर की ही बात हो रही थी, जन्नत की बात हो रही थी, द परमानेंट होम हेवन। डू यू रिमेम्बर हाउ ऑल चिल्ड्रंस स्टोरीज इन, क्या आपको याद है कि सब जो है बच्चों की स्टोरी किस तरह ख़त्म हुई थी, किस तरह उनका ईद हुआ था। दे ईन विद एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो उनकी ज़िंदगी शुरू हुई और ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद जो ज़िंदगी शुरू हुई वो बहुत ही खुशी वाली ज़िंदगी थी, वो बड़ा मतलब हैप्पीली गुजार रहे थे। द रियल एवर आफ्टर इज़ द हेयर आफ्टर एंड दैट्स हेवन, जो असल में उनकी ज़िंदगी बाद में थी वो कैसी थी, वो जन्नत में खुशी वाली ज़िंदगी थी। नाउ द क्वेश्चन इज़ हु विल टेल अस हाउ टू रीच हेवन, अब सवाल ये है कि हमें कौन बताएगा कि हम जन्नत तक कैसे पहुँच सकते हैं। वट शुड वी डू टू डिज़र्व दिस रिवॉर्ड इन द हेयर आफ्टर, अब हम किस तरह डिज़र्व करते हैं ये रिवॉर्ड जो हमें बाद में मिलेगा, मतलब कि जन्नत हम किस तरह डिज़र्व कर सकते हैं। वी नीड गाइडेंस फॉर दिस बिकॉज वी आर ऑफन कन्फ्यूज अबाउट वट इज़ गुड और बैड फॉर अस, अब हमें ज़रूरत है किसकी, गाइडेंस की ज़रूरत है। रिसालत और प्रॉफिटहुड मीन कन्वेइंग अल्लाह मैसेज, रिसालत या फिर रसूल होना या जो रसूल है उनका मकसद होता है कि जो अल्लाह ताला के मैसेजेस वो हम तक कन्वे करें। रसूल और प्रॉफिट वर अल्लाह मैसेजर, जो रसूल थे वो अल्लाह ताला के मैसेंजर थे, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। हुम ही अपॉइंटेड टू गाइड अस थ्रू हिज एंजल्स एंड बुक्स, जिनको अल्लाह ताला ने अपॉइंट किया है, जैसे हर कोई अपॉइंट होता है किसी ना किसी काम के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनको अपॉइंट किया है, तो अल्लाह ताला जो अपने मैसेजेस था वो किसके ज़रिए उनको पहुँचाते थे, एंजल्स के ज़रिए और बुक्स के ज़रिए। बिलीव इन अल्लाह प्रॉफिट एंड द मैसेज दे ब्रॉट इज पार्ट ऑफ आवर ईमान, अल्लाह ताला पर यकीन और अल्लाह ताला के रसूलों पर यकीन, जो अल्लाह ताला ने रसूल भेजे उन पर यकीन और उनके मैसेजेस पर यकीन होना, क्या ये किस चीज़ की निशानी है, किस चीज़ का पार्ट है, ये एक ईमान मतलब कि फेथ का पार्ट है, विच इज़ नॉट कम्प्लीट अनलेस वी डू, वो तब तक कम्प्लीट नहीं हो सकता जब तक हम ना चाहें। प्रॉफिट्स वर विचुअस पीपल हु टॉट अस अबाउट अल्लाह, जो हमारे रसूल थे वो काफ़ी नेक लोग थे, उन्होंने हमें बताया अल्लाह के बारे में। दे टोल्ड अस व्हाट वर्चू एंड सिन, और उन्होंने हमें बताया कि क्या जो है फजीलत है
और क्या गुनाह है, वाट वी शुड डू टू प्लीज़ अल्लाह, और किस तरह हमें अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, एंड वाट वी शुड नॉट डू दैट विल डिसप्लीज़ हिम, और हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए. द प्रॉफिट्स टोल्ड अस दैट अल्लाह इज़ द वन एंड ओनली मास्टर, हमारे रसूलों ने बताया कि अल्लाह ही जो है एक है और वो मास्टर है. दैट वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर अ पर्पस इबादत एंड एक्सपेंड टू अस द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, और उन्होंने हमें ये बताया कि हम यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, और हमारे यहाँ इस दुनिया में आने का मकसद ही यही है. दे टॉट अस हाउ एंड व्हेन टू प्रे, उन्होंने बताया कि किस तरह, और उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह हमें इबादत करनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए, एंड आवर ड्यूटीज टुवर्ड अल्लाह एंड आवर फेलो बींग्स. फेलो बींग्स मतलब जो हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग या कोई भी जो हमारे साथ रहते हैं मतलब दुनिया के लोग, उनके बारे में बताए कि हमारे क्या हक है, और अल्लाह हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के बारे में बताए इन सिंपल वर्ड्स. दे आल्सो टोल्ड अस व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, और हमें बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, एंड इन्फॉर्म अस ऑफ द रिवॉर्ड इफ़ वी ओवे अल्लाह ऑर्डर, और हमें ये भी इन्फॉर्म किया कि अगर आप अल्लाह की बात को, अल्लाह के ऑर्डर्स को, उनके अहकाम को अगर ओबे करते हैं तो आपके लिए रिवार्ड है, मतलब आपके लिए एक ऐसे समझे कि एक प्राइज है, एंड द पनिशमेंट इफ़ वी डू नॉट, अगर नहीं कहते तो सजा भी है. बाई द एग्जाम्पलरी बिहेवियर एंड स्पॉटलेस कैरेक्टर द प्रॉफिट वर एबल टू इम्प्रेस अपॉन देयर कम्युनिटी, वो अपने एक मतलब मिसाली बिहेवियर की वजह से, बेदाग कैरेक्टर की वजह से काफ़ी जो है अपनी कम्युनिटी और उम्मा में पसंद किए जाते थे, और लोग काफ़ी उनसे इम्प्रेस होते थे. द नीड टू बी गुड जस्ट एंड टू डू द राइट थिंग, हमेशा अच्छे काम करते रहते थे. अल्लाह चूज़ेस प्रॉफिट्स फ्रॉम अमंग्स द पीपल, दे ब्रीथ एंड लिव लाइक एनी अदर ह्यूमन बींग एंड लिव वर्चुअस लाइफ. अल्लाह जो है वो कभी कोई भी अगर उनको नबी या प्रॉफिट चूज़ करना होता था तो वो उसी जो भी अर्थ में लोग मौजूद है उन्हीं में से ही चूज़ करते थे, और वो बाकायदा एक इंसानों की तरह ही जीते थे, सांस लेना उसी तरह ज़िंदगी गुजारते थे. जो नबी थे वो काफ़ी अपनी नेकी वाली नेकी के कामों में ज़िंदगी गुजारते थे. दे वर अनेस्ट ऑल राउंड पैशन एंड काइंड हार्टेड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे वर कम्पैशनेट पीपल हु यर्न्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज एंड वॉन्टेड टू ऑपरेशन एंड इमोरलिटी टू स्टॉप, और ख़ास तौर पर वो काफ़ी हमदर्द थे. उसके अलावा जो मतलब वो एक अपना एक उनको होती थी कि जो भी सोसाइटी में गलत काम हो रहा है उसको इम्प्रूव करना, जो भी बेहयाई फैला रहा है उन सब चीज़ों को ख़त्म करना, स्टॉप करना उनका काम होता था. ऑल प्रॉफिट गेव द सेम मैसेज दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, सब जो भी प्रॉफिट आए उन्होंने ये मैसेज दिया है कि कोई भी दूसरा गॉड नहीं है सिवाय अल्लाह के. द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इन इट, जो भी है इस दुनिया में है ये पूरी कायनात सब कुछ अल्लाह ताला ने ही बनाया है. We are his creature and slave, हम उसके क्या हैं, creature मतलब कि उसके बनाए हुए हैं और उसके गुलाम हैं. And should worship only him, और सिर्फ उनकी इबादत करनी चाहिए. Prophet accept the will of Allah and preach the same message, जो सब प्रॉफिट थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह ही सबका मालिक है, और यही मैसेज सब नबियों ने सब प्रॉफिट ने सब तक पहुँचाया है, सेम मैसेज. The first human being Hazrat Adam alayhi salam was the first prophet of Allah. Hazrat Adam alayhi salam jo the pehle nabi the Allah ke. Prophet have been sent at all times for the guidance of his prophet, people, the Quran says. Har waqt pe har nabi bheje gaye hain taki wo apni ummat ko guide kare, matlab ki sab logo ko guide kare, aur Quran kehta hai theek hai walaqat بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اینڈ وی سینڈ اَ میسنجر فار ایوری اُمّا, اور میں نے بھیجے ہے مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیجے ہے ہر امت کے لیے ایک ایک نبی کو.
और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।